मैं देख के मुझे होश ही नहीं रही, मतलब मुझे खुद समझ नहीं आई कि मेरे अबू को क्या हो गया। तो यानी कि जो मैं मगर पहुंचिया दौद बन इतने फैन लगा दिते पैर मारे उस वक्त मैं वेख के मेरे साथ तो बाहर हो गया। मैं उस तरस दिन पढ़िया फड़ के मैं रिक्शे लगवाज मारी मैं रिक्शा बुलाओ रिक्शा आया रिक्शे से हालात में दो जगह मौके दे दिया तो फिर फायर किया तो वो मेरी टांग पे लगा जी जी और मैं उधर ही बेहोश हो गया। फिर उसको नज़र खान ने भी शिराज की तरफ फायर किया और एक दाद खान है अल्लाह दाद खान उसने अबू की तरफ ऐसे फेस की तरफ फायर किया और अबू को आंख पे लगा और अबू उसी वक्त फोत हो गए। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से चाहता हूँ कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिले, जितनी जल्द हो सके मेरे अबू के कातलों को सूली पर चढ़ाया जाए, हमें इंसाफ चाहिए। चले जी हम तो दुआ ही कर सकते हैं कि बस कि अल्लाह पाक ने सब्र जमील अता फरमाए इनके घर वालों को और अल्लाह ताला इनको सेहतियाब अता फरमाए जल्दी जल्दी। तो बाकी जो है हमजा भाई उनसे बात करेंगे, उनसे मामू उनके मामू से उनके चाचू के जो उनके रिलेटिव्स हैं जो दूसरे महल्ले वाले हैं जो उस वक्त जो उस वक्त जो मैटर हुआ उस वक्त जो वहाँ पर मौजूद थे उनसे बात करेंगे और इन्फॉर्मेशन लेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है तो बाकी हमारा भी हुकूमत से अपील है कि इन्हें जितना जल्दी हो सके ना इंसाफ दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मुल्क में जो चल रहा है कोरोना पूरी दुनिया में चल रहा है, अज़ाब आया हुआ है अल्लाह का, या अल्लाह के समझ लें अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश है या अज़ाब है ये तो अल्लाह पाक को पता है। उसके बाद रमज़ान भी है, रमज़ान करीम चल रहा है। तो लेकिन कुछ लोग हैं जिनको इस तरह की किसी चीज़ का इलम नहीं, ऐसे लगता है कि वो इंसानों में शुमार ही नहीं होते। ठीक है इस तरह का कुछ वाक़या हुआ है पसरूर में, जो गनी टाइगर के नाम से टिकटॉक पर सुपरस्टार हैं जो हमारे वो अच्छी तरह वो लोग जानते हैं उनको, जो हमारे पर अच्छी पर्सनैलिटी है टिकटॉक पे अच्छे सुपरस्टार हैं। तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि उनके जो वालद साहब हैं दाऊद भट्ट साहब, तो उनका ना बहुत ही बेरहमी के साथ मर्डर कर दिया गया है। उसी हवाले से हम आए और ये हमारे साथ बैठे हुए हैं हमजा साहब, इनका नाम है वैसे तो गनी टाइगर के नाम से मशहूर हैं। तो उनसे बात करते हैं, उनसे सवाल करते हैं जो वाकया हुआ जो उन्होंने देखा या जो उन्होंने फील किया वो सब कुछ हम उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि जो मैटर हुआ जो आपके वाले साथ के साथ हुआ, तो आप ज़रा तफसील से बता सकते हैं कि ये इस तरह क्या हुआ जो भी है। बेसिकली मैं यहाँ पे था नहीं जी जी, मतलब जब ये सारा वाकया हुआ ये कि बच्चों की लड़ाई थी मोहल्लेदारों की जी, वहाँ से ये तंजीम के लड़के आए, किसी ने इनको बुलाया तो मेरे तायबों ने उनसे मना किया इनको, मतलब जो भी मतलब सीन है, मतलब हमारी लड़ाई नहीं थी, लड़ाई बस किस छुड़ाते छुड़ाते जो उनसे ना सारी लड़ाई हुई है। और इन द एंड वो लोग मुसल्ला जितने भी थे हमारे मोहल्ले में आए, उन्होंने पहले एक कज़न को मार रहे थे मेरे, तो जब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊँ बचाने के लिए मुझे मैं उसको अपने कज़न को छुड़ा कर ना थोड़ा सा आगे निकल गया हूँ, मुझे पता नहीं चला पीछे से मेरे अबू के साथ और मेरे भाई को और मेरे अबू को गोली मारी है उन्होंने, माथे पे लगी है। जब मैंने देखा अपने अबू को, क्योंकि मैं कुएं के ऊपर था नहीं जी जी, तो मैं उनको देखा ऐसे उनकी लाश को वैसे पड़े हुए थे उधर और साथ में मेरा भाई पड़ा था जी जी। मैं देख के मुझे होश ही नहीं रही, मतलब मुझे खुद समझ नहीं आई कि मेरे अबू को क्या हो गया जी। बस इतना कि मेरे अबू बेकसूर थे, हम लोगों की कोई वजह ही नहीं, हम लोगों की लड़ाई थी नहीं किसी के साथ, तो बिला वजह मेरे अबू के ऊपर जुल्म किया गया। ठीक है तो क्या आपका किसी तंजीम के साथ कोई तल्लक वगैरह है या आपकी दुश्मनी थी कोई? नहीं 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 मैं तंजीम के साथ तो मेरा कोई तल्लुक नहीं, मेरी फील्ड ही कुछ और है और दुश्मनी वाली जो हमारी फील्ड है उसमें तो दुश्मनदार इंसान काम नहीं कर सकता। मैं तो ऐसा इंसान ही नहीं, मतलब ना मैं ऐसी चीज़ों को पसंद करता हूँ, मुझे समझ नहीं आई ये क्यों किया है लोगों ने, ये कैसे हो गया, मतलब ना मेरे अबू ऐसे थे, आप मोहल्ले से पूछे ना मेरे मोहल्ले से आउटसाइडर से, मेरे अबू बड़े अच्छे इंसान थे जी। तो मैंने उनसे आप देख रहे हैं कि उनका जो सिचुएशन चल रही है जो उनका हाल है, तो ज़्यादा बात भी नहीं मैं इनसे ज़्यादा इनका टाइम नहीं ज़्यादा लेना चाहता। तो मैंने भी ये ना मोहल्ले वालों से मैंने कंफर्म किया, बैठा था मैं इधर दुआ कर रहा था, तो वो यही बात कर रहे थे आपस में कि इनके वाले साहब तो बहुत अच्छे नेचर के मालिक थे। ठीक है उनका ये जो भी हुआ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, तो मैं भी अपील करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से पुलिस वालों से कि इन्हें इंसाफ दिया जाए। तो मज़ीद थोड़ी सी दो मिनट आपका और लेंगे सिर्फ थोड़ा सा, तो जो आपके भाई के साथ हुआ जो आपके वालद साहब के साथ हुआ, क्या आप जो इसके जुर्मदार हैं कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे आपने? इंशाल्लाह अगर मेरी सांसें नहीं जी जी, मेरी पाकिस्तानी कौम हर इंसान मुझे मेरे साथ दे रहा है, अगर मेरी सांसें रहीं तो मैं जब तक मेरी सांसें हैं मैं
ज़रूर अपने अबू का बदला लूँगा कानूनी तौर पर। मैं कोई गैर कानूनी काम ना करता हूँ, ना मैं करना पसंद करता हूँ। मैं अपने मुल्क में अमन रखना चाहता हूँ और इसमें अमन रहेगा। और जिस बंदे ने जिसने मेरे अबू के साथ ज़्यादती किया, मेरी सिर्फ उसके साथ दुश्मनी है और कानूनी तौर पर उसको सजा दूँगा। अदरवाइज मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप दो बार साहब को जानते हैं? हाँ जी, मेरे महल्लेदार ने। अच्छा, तुम ते महल्लेदार ने? हाँ जी। ठीक है, तो वो किस तरह के बंदे? बहुत ही अच्छे लोग सर, बहुत ही अच्छे। अच्छा, इसके साथ बहुत जुलम है। बहुत जुलम हुआ ते तुही उठे मौजूद हो मौके? हाँ जी, मैं मौके पे मौजूद मौजूद हूं। हाँ जी, मैं ही चुके। सही है, ते की होया कोई दसना चाहोगे? ए तकरीबन कोई 30 तो 35 आए हैं मसाला हूं मुंडे जड़े आए हैं। मोटरसाइकिलों दे को इनको विकटा वगैरह हां छोटे वगैरह हां पिस्तौल वगैरह डंडे वगैरह भी है। हां डंडे वगैरह भी है, जिन्ना नु मसने इन्होंने त्रै घूम बनाए दे हैं। कई नु डंडे मार दे हैं, कई नु फायरिंग दे कीता है, यानी कि फुल दहशतगर्दी। फुल दहशतगर्दी, ये पूरा हजूम इन्हें फैलाया उत्थे। तो यानी कि जो मैं मगर पहुंचिया दौद बन में उन्होंने इतने फैर लगा दिता पैर मार। उस वक्त मैं वेख के मेरे पसाद तो बहर हो गया। मैं उस तर दिन पढ़िया फड़ के मैं जेल मारी। मैं रक्षा बुलाओ, रक्षा आया, रक्षे से गला दो जगह मौका दे दिया। तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इहदा इंसाफ दे दे। इंशाल्लाह सानू इंसाफ चाहिए। बहुत ही ज्यादती हुई, जुलम होया, बड़ा बड़ा जुलम होया। चलो जी, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, वो देख रहे हैं जो हो रहा है। ये उनके हमजा जो टाइगर है, उनके कज़न है। ठीक है, ये सब जो हैं इनसे भी बात करेंगे। तो आइए जानते हैं इनसे भी जो सूरत हाल जो चल रही है या जो हुआ, जो मैटर हुआ। तो आप उनके कज़न हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मामू के फूफू के या? मैं चाचू का। चाचू का। तो आप जो हैं, जो जिनकी डेथ हुई है, जो दाऊद भट्ट साहब हैं, जो हमजा भट्ट साहब के जो वालिद हैं, किस टाइप के बंदे थे? बहुत ही अच्छे, नहाय शरीफ आदमी थे। पाँच वक्त के नमाजे थे। और आप पूरे मोहल्ले में विजिट करें, ये मैंने किया, मैंने किया। वो जो आपको हर बंदा तारीफ करता नजर आएगा। और जब फौतगी होती थी सबसे आगे लगे होते थे, कबर बनवाते थे, फिर जब मैयत को बीच में डालते थे सबसे आगे लगे होते थे पूरे मोहल्ले में। ये मोहल्ले में नहीं, शहर में कहीं भी बाहर होता था कोई भी, वो सबसे आगे लगे होते थे। और जितने भी ये गरीब बच्चियाँ हैं, खासतौर हाँ बच्चियाँ या बच्चे ढूंढते थे, उनके रिश्ते भी कराते रहे हैं। तो जो फलाही काम जो है वो दिल खोल के करते थे। तो कोई शक ही नहीं किसी में। आप शहर में, आप दूसरे शहर में भी जाएंगे ना दाऊद भट्ट साहब का पूछेंगे, उन्होंने यतीम बेटियाँ बेइंतहा लोगों की जो है ना मदद की है, अपने पास से शादियाँ करवाते रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। इमरान खान साहब हैं या वज़ीर आला पंजाब साहब हैं, आईजी साहब हैं, उनसे मुतालबा है, हमें इंसाफ चाहिए। जी, आप भी कज़न हैं? जी जी। आप तायाबू के बेटे? जी तायाबू। जी, तो आप क्या चाहते हैं कि यानी कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हम यही चाहते हैं कि जो भी इस मामला में जो भी मुलजमान हैं उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए, जो उनकी सज़ा है उनको मिलनी चाहिए। बहुत बड़ा जुल्म किया है उन्होंने, बहुत शरीफ आदमी थे। मेरे साथ ही उन्होंने इफ्तारी की है और इफ्तारी के थोड़ी देर बाद उनके साथ ये मामला हुआ है। तो बहुत बड़ा जुल्म किया है इन्होंने, ज़्यादती है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। आप पूरी सिटी में किसी से भी उनकी तरफ से पूछ सकते हैं बिला झिझक, आपको पता चल जाएगा वो किस तरह का इंसान थे। तो बाकी बहुत बड़ा हमारे साथ जुल्म हुआ है, तो लिहाजा हम अपील करते हैं अला काम से कि हमारे साथ जो है ना थोड़ा सा तावन किया जाए। चलें जी, हमारी भी दुआ है कि आप इंसाफ मिले। जी, वो मेरे चाचू थे। जी जी। बहुत ही अच्छे इंसान थे, खुश मिजाज थे। तो किसी के साथ उनकी कोई लड़ाई नहीं थी। सही है, तो मेरे साथ ही थे वो। अचानक ही मेरे साथ आए हैं वो, मैं पीछे था ज़रा, तो अचानक ही उन्हें फायर लगा मेरे सामने, तो हमने उठाया तो इधर आँख पे लगा था फायर, तो मौके पे उनकी डेथ हो गया। तो बहुत अच्छे इंसान। तो आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं बस। अच्छा, तो कोई आपकी कोई दुश्मनी वगैरह थी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं उनका, तो कोई ऐसा मामला नहीं। वो तो आपको बता रहे हैं फ्लाई काम करते थे, काफ़ी मदद बच्चों की जो भी मतलब हो सकता है, उनका तो कोई लिंक ही नहीं था। वो ये सुना है कि ये लड़ाई भी किसी और की थी? जी, किसी और की है, वो पार्टी और है जिनकी लड़ाई हुई है। तो वो ये छुड़ाने में जी जी, ये देखे ना एक तमाशा चल रहा है, तो वो गए हैं कि चलो मैं इनको बाज करता हूँ, बड़े हैं मोहल्लेदार, बड़े हैं, मैं बाज करता हूँ। वो भी जाके खड़े हुए हैं, उन्होंने फायर मार दी है, उन्होंने देखा ही नहीं, कोई बात नहीं की, कोई कुछ अभी तो बोले भी नहीं उन्होंने। ये वो इस तरह के बंदे थे यानी कि जो दहशतगर्दी जुमरे तंजीमी? जी जी। ये तो वो आपके मोहल्ले के हैं? वो भी नहीं, नहीं, वो हमारे शहर के ही हैं लेकिन मोहल्लेदार नहीं है, शहर के तंजीमी। और उन लोगों की वजह से आज हमारी सिटी में तीसरा मर्डर हो गया। उन लोगों
उन लोगों की वजह से दो लड़ाइयाँ उनकी पहले ही ऐसे हुई हैं और जो है ना फजूल उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसी दो दफ़ा पहले भी मर्डर हो चुका है, ये तीसरा मर्डर है तो कुछ भी नहीं, वो फिर थोड़ी देर होती है वो फिर वैसे ही अपने काम शुरू कर देते हैं, कोई पूछ गिछ किसी किस्म का जो है ना नहीं। आपने देखा कि वो कह रहे हैं इस तरह के काम कर चुके हैं, दो तीन मर्डर पहले भी वो कर चुके हैं, तो हमारी अपील है हुकूमत पाकिस्तान से और जो हमारे पुलिस वाले अफसरान हैं जो तो मौजूद अफसरान से भी अपील है कि इन बंदों को लगाम डाली जाए, इनको जो कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, इनकी जो सज़ाएँ उन्हें दी जाए ताकि लोगों को भी जो दूसरों को उनको भी पता चले कि हाँ ये कानून जो है वो बहुत सख्त है और वो कर भी सकते हैं अमल उस पर। तो ज़्यादा चाहता हूँ शान खान नया पाकिस्तान से, तो अल्लाह हाफिज़। ठीक है, हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें इंसाफ दे और हम यही कर सकते हैं, और यही है कि हमज़ा जो है गनी टाइगर उसकी आवाज़ में आवाज़ यानी कि उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और उन्हें इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करें जहाँ तक आप कर सकते हैं, मैं भी करूँगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो ठीक है अल्लाह पाक से दुआ है कि इन्हें सब्र जमील दे और इन्हें इंसाफ मिले जल्द से जल्द। ठीक है, शुक्रिया हमज़ा भाई, तो अब आपसे जल्द चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सब्र जमील दे और आपको इंसाफ दिलाए अल्लाह पाक, और बस यही दुआ कर सकते हैं, शुक्रिया जी।